हेलो मेरे शाइनिंग स्टार्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करती हूँ बच्चों आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत ठीक होंगे। तो इससे पहले बच्चों हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सीखी, स्वर सीखे, व्यंजन सीखे और हमने कुछ मात्राओं को भी पढ़ा। तो बच्चों आज हम कौन सी मात्रा सीखने जा रहे हैं? आज हम सीखने जा रहे हैं बच्चों आ की मात्रा के शब्द। हम उसका अभ्यास करेंगे, उसकी पहचान करेंगे और उससे संबंधित हम कुछ कार्य भी करेंगे। तो स्वागत करते हैं आपका आपकी अपनी हिंदी पुस्तिका स्वर तरंग बाई ब्रेन रूट। तो चलिए हम करते हैं कार्य। तो सबसे पहले ये क्या लिखा हुआ, ये लिखा है क। क में कौन सी मात्रा लगी है? अभी हमने पहचान करी थी ना, क में आ की मात्रा। निकल एक डंडा खींचा होता है, एक लाइन होती है, तो कौन सी मात्रा हो जाती है? आ की मात्रा, जिसे हम खींच के बोलते हैं, यानी कि क आ का, च आ चा, ट आ टा और त आ ता। तो अब ये किसका चित्र बना है ये तो पढ़ के पता चलेगा। ज में आ की मात्रा जा और ला में भी आ की मात्रा ला। तो अब अगर हम इसको एक साथ बोलेंगे, अभी तो हमने तोड़ तोड़ के बोला था ज आ ल आ, अब हम इसको एक साथ बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? जा ला। ये देखिए लाल रंग से जो मात्रा है ये क्या है, पहचान है आ की मात्रा, तो इसको बोलेंगे जाला। म में आ की मात्रा तो क्या बन जाएगा? मा। और ला में भी आ की मात्रा ला, और अगर हम इसको इकट्ठे पढ़ेंगे तो कैसे क्या बोलेंगे? माला, माला। ज हा, हा में आ की मात्रा दिख रही है आपको, तो हा को कैसे बोलेंगे? ज ह, नहीं आ की मात्रा है, यानी इसको जोर से खींच के बोलेंगे ज हाज, ज हाज, ज हाज। ये क्या बना है? जहाज। और अब है ब, ब में आ की मात्रा बा द ल, तो क्या बन जाएगा? बादल, बादल। ट म में आ की मात्रा है फिर से, क्या बन जाएगा? मा, ट मा टर, ट मा टर, ट मा टर। और अब है ये अ ख, अख। ब में आ की मात्रा आ गई, क्या बन गया? अख बा, ब में आ की मात्रा तो फिर ब को हम कैसे बोलेंगे? बा, अ बार, अख बार, अखबार। चलिए अब हम इनको अभ्यास करते हैं। क आम काम, ब आ, आ की मात्रा है ना तो इसे बोलेंगे क आम काम। र में आ की मात्रा राम, न आ, न में आ की मात्रा नाम, द में आ की मात्रा दाम, दाम, ध में आ की मात्रा धा, धा म धाम, ज में आ की मात्रा जा, जान, जान। अब अ में फिर से आ की मात्रा अ आ, आ, न में आ की मात्रा ना, क्या बन गया? आना, ज आ जा, न आ ना, जाना। ख में आ की मात्रा ख, न आ की मात्रा खाना, ला ना। देखो बच्चों आपकी पहचान के लिए, आपकी सहूलियत के लिए हमने क्या किया है, इसमें लाल रंग की लाइन बनाई है। लाल रंग की लाइन का मतलब है आ की मात्रा, तो हम उस अक्षर में अगर आ की मात्रा लगी तो हम इसको जोर से खींच के बोलेंगे, क्योंकि इसकी पहचान है आ, आ से आम वाला आ। तो देखो ला में लाइन लगी है ना, यानी कि मात्रा लगी है, तो कैसे बोलेंगे? लाना, गाना, मामा, काला, माला, नाला, जाला, लाला, ताला, चावल, चावल, बादल, बादल, काजल, काजल, पायल, पायल, घायल, घायल, राजन, राजन,
बराबर, बराबर। समाचार, समाचार। पाठशाला, पाठशाला। धन, धनवान। भगवान, भगवान। ज्ञानवान, ज्ञानवान। तो बच्चों, अभी हमने दो, तीन और चार अक्षरों के शब्दों की आ की मात्रा के साथ पहचान करी है। और अब देखिए, अब हम इतना हो गए हैं, अब हम पूरे पूरे वाक्य पढ़ेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले है, राम का चाचा। आप मेरे उच्चारण की तरफ ध्यान दीजिए, देखिए मैं कैसे बोल रही हूँ, कैसे मैं स्वरों का उच्चारण कर रही हूँ, उस पे आप ध्यान दीजिए और बोलने का मेरे साथ प्रयास कीजिए। आया चाचा एक छाता लाया। मैं इसीलिए रुक रुक के पढ़ रही हूँ जिससे आप उसको दोहराएंगे। कमला खाना बना। इसमें भी आप देख रहे हैं लाल रंग के क्या है, ये मात्राओं के निशान बनाए हैं जिसे आपको पता चल जाए कि आ की मात्रा है, और आप भी फिर आ की मात्रा को ऐसे करके बोलेंगे जैसे मैं बोल रही हूं। राजन खाना खा। अनाज सारा बाहर ला। अनाज बाहर लाकर अखबार पढ़। सरला भगवान का भजन कर। राघव खड़ा था, वह आम खा रहा था। राजा तबला बजा रहा था। अचानक राजा बाहर आ गया। बाहर वानर शरारत कर रहा था। तो बच्चों, अभी हमने किसका अभ्यास किया? हमने वाक्यों में आ की मात्रा का अभ्यास किया। अब हम थोड़ा सा अभी और आ की मात्रा के हम वाक्य पढ़ेंगे। श्याम इधर आ। तालाब पर। मैं आशा कर रही हूँ बच्चों आप भी मेरे साथ साथ इसको बोल रहे हैं। जाकर नहा। अब अनार खाकर पाठशाला जा। झटपट अपना पाठ याद कर। वापस आकर बाजा बजा। वह गाना गा। श्याम माता का आदर कर। माता का कहना मान। आलस मत कर। भगवान का भजन कर। अपना कमरा साफ कर। तो बच्चों, अभी हमने क्या किया था?
अभी हमने आ की मात्रा के शब्दों का अभ्यास किया था, उनके वाक्यों को पढ़ा था, और अब हम क्या करेंगे, चित्रों को देखकर उनके नाम लिखेंगे जो कि आ की मात्रा के। सबसे पहले क्या बना है ये, छ, छाता। तो हम कैसे लिखेंगे, छा यानी कि आ की मात्रा, छाता, छाता। और ये क्या है, ये है ताला, ता में आ की मात्रा ताला। और ये है अ नार, अ नार, ना में मैंने क्या किया, ना में मैंने आ की मात्रा लगाई। और ये है चरखा, चरखा, खा में क्या आ जाएगा, आ की मात्रा आ जाएगी चरखा, चरखा। और ये है जाला यानी कि जाला, जाला। और ये है बादल यानी कि बादल, बादल, ठीक। और अब हम चल रहे हैं एक और, दिए गए वर्णों में आ की मात्रा को जोड़कर हमें शब्द बनाने हैं। अब हमें आ की मात्रा जोड़ेंगे, जैसे कि हमारे पास ये है, क्या लिखा है, सबसे पहले स, स में मैंने आ की मात्रा जोड़ी, और फिर ये र और फिर ये स, क्या बन गया, सारस, सारस। और फिर है अगला हमारा व, व में आ की मात्रा, फिर ये प और फिर ये स, ये क्या बन गया, पारस, पारस। और फिर ये क्या है, सबसे पहले ज, ज में आ की मात्रा ला, ला में आ की मात्रा क्या बन गया, जाला। और अब है ये का, का में आ की मात्रा, फिर ये र, कार। और अब है ग, गा में आ की मात्रा गा, जर, गाजर। और अब फिर से हमारे पास आ गया का, ज, ल, क्या बन गया, काजल, ठीक। और अब अगला हमारा क्या कर है, हमें चित्रों की सहायता से वाक्यों को पूरा करना है। तो सबसे पहले क्या बना हुआ है, ये आम, और यहाँ पे सब क्या लिखा है, राजा, और यहाँ लिखा है आम, नहीं राजा लिखा है, और फिर क्या लिखा है, खा। तो हमें क्या पूरा करना है, क्या खा, क्या बना हुआ है, ये आम। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी, आमू, और ये पूरा वाक्य हो जाएगा, राजा आम खा, राम क्या लाया, क्या बनी है ये, कार। तो कार कैसे लिखा जाएगा, कार। और ये हमारा वाक्य पूरा हो गया, राम कार लाया। और अगला चित्र किसका है, अगला चित्र है अखबार। अब अखबार कैसे लिखेंगे, सरला, और यहाँ पे लिखा है पढ़, क्या पढ़, अख बार, सरला अखबार पढ़। तो हमने क्या किया, हमने चित्रों की सहायता से वाक्यों को पूर्ण कर दिया, और इसके साथ हमारी आज आ की मात्रा का यह अभ्यास यहीं समाप्त होता है। नई मात्रा के साथ बहुत जल्दी आते हैं, तब तक के लिए आभार।